अभी अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो, 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष ने 9 साल है, और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने ये 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। तो इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा, और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई हैं, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और ये बिहार की भूमि, ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए, 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हो। मुझे बताओ लखीसराय वालों, मुंगेर वालों, मुझे बताओ, जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? अरे नीतीश बाबू, आपकी तो राजनीतिक पैदाइशी ही भ्रष्टाचार का और लालू का विरोध कर शुरू हुई। आपके राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार की खिलाफत से हुई, और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का विरोध कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी, राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है। मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते हैं। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मैं आप सभी को, जो लोग वहां बैठे थे, उनको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकती। मित्रों, मुझे बताओ, देश के अगले प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? बिहार को
ये जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या? ये भ्रष्टाचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जो लोग सत्ता के लिए लालू और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के कारण गुंडा राज, बालू माफिया, शराब माफिया और हथियारों के जखीरे बिहार के अंदर आए। बिहार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से एक बार एकजुट होकर जनता के सामने आ रहा है। 2024 में बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? माताओं, भाइयों, बहनों, आज इतने खराब मौसम ने आप सभी लोग यहां आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी अशोक धाम के दर्शन करूंगा। मगर आज लखीसराय में, लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 और 25 में भाजपा एनडीए की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। निश्चित तौर पर आपका अभिवादन सुनकर के लखीसराय की जनता ऊर्जावान भी हो गई और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए